हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुनर क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम होगा बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या लिखा हुआ है बच्चों? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी जो इनकम होगी वो एक सर्कल में होगी। इससे पहले समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों एक डायग्राम। आई होप ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहां पे है हाउस होल्ड और यहां पे है फर्म्स। फर्म्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? फर्म का मतलब हुआ बिजनेस। अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं डायग्राम, तो ये इसकी शेप क्या है बच्चों? देखो बच्चों, ये है इसकी राउंड शेप, दिखाई दे रही है बच्चों। क्यों होता है सर्कुलर फ्लो, पहले देखते हैं। यहां पे हाउस होल्ड है, यहां पे बिजनेस है। हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है बिजनेस को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे वो प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं बेटे, पहले वो देखते हैं आराम से। दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले लैंड। भाई साहब, क्या बिना जमीन के कोई बिजनेस कर पाएगा? तो सबसे पहले बिजनेस हाउस के पास आएगी जमीन, जिसपे वो अपनी फैक्ट्री का सेटअप कर पाएगा। तो उसके लिए उसको कौन सी इनकम मिलेगी? उसके लिए मिलेगी उसको रेंट। सेकेंड इज लेबर। लेबर मतलब आपकी फैक्ट्री सेटअप हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो गई। अब आपको क्या चाहिए बच्चों? लेबर, काम कराने के लिए। और उनको आप क्या पे करते हो? पे करते हो वेजेस। थर्ड पॉइंट इज कैपिटल। भाई साहब, आपके पास इंतजाम हो गया जमीन का, आपकी यूनिट लग गई, आपके पास लेबर है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। तो थर्ड पॉइंट इज कैपिटल, और जो यहां पे कैपिटल देता है उसको मिलता है इंटरेस्ट, यानी एक तरीके से ये हो गया ब्याज का पैसा, जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है? इंटरेस्ट। लास्ट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब दिमाग। इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा प्रॉफिट। तो अगर आप इस चार्ट को पढ़ें, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इनकम। सबसे पहले लैंड, उसको मिला रेंट। सेकेंड लेबर, उसको मिले बच्चों वेजेस। थर्ड कैपिटल, उसको मिला इंटरेस्ट। फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप, उसको मिला प्रॉफिट। इसका मतलब दिमाग था इसका, इसने ये सारी चीजें अरेंज करी। आई होप क्लियर होगा। अब फटाफट आते हो डायग्राम पे। देखिए बच्चों, जो ये यहां पे हाउस होल्ड थे, उन्होंने सबसे पहले क्या दिया? दिख रहा है डायग्राम, ये पहला सबसे पहले दिए इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे लैंड प्रोवाइड करी, लैंड के बाद आपको क्या मिला? लेबर मिला, कैपिटल मिला, और वो दिमाग मिला। दिमाग मतलब टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां पे इसको मिल गया। अब इसका काम क्या होगा बिजनेस का? सबसे पहले यहां पे मैं से लिखता हूं बच्चों फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले इसे चार्ट बनाया गया, यहां पे इसको क्या मिला बच्चों? फैक्टर मिले। अब इसने क्या करा? फैक्टर की कर दी पेमेंट। दिस इज माई सेकेंड पॉइंट, जो अभी मैंने आपको बताया था। लैंड को क्या मिलेगा बच्चों? लैंड को मिलेगा यहां पे रेंट। लेबर को मिलेंगे यहां पे वेजेस। प्रॉफिट को मिले, या जो आपका दिमाग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको प्रॉफिट मिले, पैसा इसके पास आ गया। इसका मतलब यहां पे इसने सर्विसेज दी और यहां पे पैसा आ गया। घूम के पैसा किसके पास आ गया बच्चों? हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड यहां से, ये देखो बच्चों, ये बोलेगा भाई साहब मुझे तो पैसा खर्चा करना है, मुझे तो फिर से दवाइयां चाहिए, या मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो उसके लिए उसको पैसा देगा। और यहां से इसको क्या मिल जाएंगी बच्चों? गुड्स एंड सर्विस। दिस इज माई थर्ड पॉइंट एंड दिस इज माई फोर्थ पॉइंट। तो अगर आप इस पूरे चार्ट को देखें, 1 2 3 4, कंफ्यूज मत करना। सबसे पहले इसने यहां पे फैक्टर्स दिए, पैसा मिल गया। अब इसने फिर से पैसा दिया और सर्विसेज मिल गई। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, पैसा कहां पे? इस समय पैसा फिर से किसके पास आ गया? बिजनेस के पास। और बिजनेस क्या करेगा? फिर से फैक्टर की सर्विसेज लेगा, पेमेंट करेगा, और ये सर्कल चलता जाएगा। एक बार इसको सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं, क्या आप इससे समझ पाएंगे? दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत सिंपल तरीके से बताया। एक बार फिर देखिए बच्चों, यहां जो ये इंडिविजुअल था, इसने क्या प्रोवाइड करा बच्चों? सबसे पहले प्रोवाइड करी लेबर। इसको क्या मिली बच्चों? सेकंड मिली इसको इनकम। अब
इसने फिर से क्या करा बच्चों, थर्ड पॉइंट पे गुड्स एंड सर्विसेज ली और एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर दी। अब इस डायग्राम को आप कैसे भी फ्लिप कर सकते हैं, बस आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहां पे देखते हैं, यहां पे जो इनकम की बात होगी वो आना चाहिए बेटे बीच वाले सर्कल में, दिस इज इनकम और एक्सपेंडिचर। यहां पे इंडिविजुअल की इनकम हो रही थी, यहां पे एक्सपेंडिचर हो रहा था। ओके, तो आई होप ये सर्कुलर फ्लो समझ में आया होगा। अब आते हैं बच्चा इसकी डेफिनेशन पे। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द अनएंडिंग फ्लोस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। सर हमने क्या है डायग्राम में पढ़ा था? हाँ बच्चा पढ़ा था, देखते हैं। देखिए क्या बताया था बेटा मैंने, देखिए यहां पे क्या था बच्चों, इनकम फैक्टर दिए, इनकम आई, गुड्स सर्विसेज लिए, एक्सपेंडिचर हुआ। तो यहां पे हुआ एक्सपेंडिचर, यहां पे हुआ इनकम इन एन इकोनॉमी। फिर से पढ़ेंगे डेफिनेशन, इट्स अ अनएंडिंग फ्लोस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो प्रोडक्शन की बात करी है बच्चों वो करी है मैन्युफैक्चरर के लिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बात किसके लिए करी है बच्चों, कंज्यूमर के लिए इन एन इकोनॉमी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहला अनएंडिंग फ्लोस, दूसरा प्रोडक्शन, थर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फोर्थ इकोनॉमी। दीज आर द कीवर्ड्स, फर्स्ट अनएंडिंग, सेकेंड प्रोडक्शन, थर्ड इनकम एक्सपेंडिचर, फोर्थ इकोनॉमी। लिख के आ जाओगे बच्चों। एक और डेफिनेशन ध्यान सुनना, शोज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, सबसे पहले हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड कराए, फैक्टर गए थे और यहां से मिली उसको इनकम। अब क्या हुआ, इसने पैसा वापस करा, क्यों करा वापस पैसा, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले इनकम, शोज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर मैनर बिटवीन प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड। ओके, यहां पे प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरर और हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स। तो अगर ये डेफिनेशन आती है आपको लिखने के लिए या एमसीक्यूज आते हैं, पूरा दिमाग लगाना। अनएंडिंग फ्लोस जो मैंने बताया, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरर। ठीक है जी, अब क्या होगा बेटा, सेकंड देखते हैं। ये डायग्राम आई होप क्लियर है आपका, ये बता दिया था आपको। थर्ड भी बिल्कुल क्लियर है बच्चों आपको, दीज आर द सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। अगली बात करते हैं, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। सर क्या बात की थी हमने, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला लैंड, इसके लिए क्या मिलेगा बच्चों आपको, रेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय फिक्स नेचुरल रिसोर्सेज। फिक्स नेचुरल रिसोर्सेज, क्या जमीन आप पैदा कर रहे हो बेटे, नहीं कर रहे, पहले से ही है, आप उसके ओनर हो, आपने बिजनेस को दिया और आपको पैसा मिल गया। सेकेंड इज लेबर, लेबर क्या हुआ बच्चों, ये अब नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है। क्या लिखा हुआ है बेटे मैंने, मेड बाय द ह्यूमन वर्कर इज नोन एज वेजेस। थर्ड वन इज कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कैपिटल। एंड फोर्थ वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप क्लियर हो गया होगा, शार्क टैंक देख देख के ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आपको पॉइंट समझ में आया है, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आते, देखिए ध्यान से। मैंने यहां पे समझाया कि भाई साहब प्रोडक्शन फैक्टर्स होते क्या क्या है। पहला लैंड दिख रहा है बेटा यहाँ पे, फूल पत्ती, ये क्या है बेटे, ये है फूल पत्ती, दिख रही है बेटा, तो ये लैंड है आपका, इसके लिए क्या मिलेगा बच्चों आपको, रेंट मिलने वाला है। सेकेंड लेबर, ये क्या प्रोवाइड करेगा, अपनी सर्विसेज देगा और इससे पैसा मिलेगा। थर्ड वन इज डॉलर, क्या है ये, मैंने कहीं पैसा, अब देखो मेरे पास क्या ऑप्शन है, देखो ध्यान सुनो, मेरे पास लेस से एक जमीन है, मैंने बिजनेस को दी, मुझे रेंट मिल गया। सेकेंड मैं कहीं काम कर सकता हूं जाके, किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर पे, मैंने अपनी सर्विसेज दी और मुझे पैसा मिल गया। थर्ड मेरे पॉकेट में पैसे ही पैसे बेटे, अगर पैसे ही पैसे हैं, मैंने बिजनेस को पैसा दिया कि भाई साहब ये पकड़ो पैसा और मुझे क्या दे दो, मुझे दे दो इंटरेस्ट। लास्ट अब मेरे पास दिमाग है, ठीक है, मेरे पास दिमाग है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर होगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड,
is our natural resources, labor, human efforts. थर्ड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या होता है बच्चों, ये है टेक रिस्क। भैया मैं बिजनेस करूंगा, देखो दिमाग की बत्ती दिख रही है, जो यहां पे आएगा भैया रिस्क किसका है, रिस्क है इसका, इसका रिस्क है, तो ये क्या लेगा रिस्क। और कैपिटल क्या कहेगा कि भाई साहब मेरे पैसे ले लो, चाहे गुड्स में लगा लो चाहे सर्विस में लगा लो, मेरे पास से पैसा लेके चले जाओ। आई होप ये फैक्टर क्लियर हो गए होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों फटाफट, फैक्टर इनकम। अब जो मैंने बताया आपको फैक्टर इनकम, सर फैक्टर इनकम क्या क्या होती है बेटा, आपको पता है रेंट होती है ना, इंटरेस्ट होता है आपके पास, प्रॉफिट होता है, तो ये सारी क्या है, दीज आर द फैक्टर इनकम। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इट अ फैक्टर है इनकम, इसका मतलब यहां लिखा होगा बच्चों इनकम रिसीव्ड, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने बहुत बातें कर ली है बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल हिंदी में समझो भाई साहब, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, उनसे जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं बेटे, उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। फिर सुनो, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जब कोई भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी फोर फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं वो, जब आप प्रोवाइड कराते हैं और उसके लिए आपको कोई इनकम मिलती है, उसे आप बोलते हैं बच्चों फैक्टर इनकम। ठीक है जी, जैसे आप, जैसे मेरा एग्जांपल मैंने बताया था, मैंने कहीं पैसे दिए, पैसा आया, भाई मैंने पैसा दिया इंटरेस्ट आया, इनकम है। मैंने जमीन दी रेंट आया, इनकम है। आई होप क्लियर होगा। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, कई बार इसका क्वेश्चन बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल, ध्यान से वर्ड सुनना, वर्ड क्या लिखा हुआ है बच्चों, वर्ड लिखा हुआ है रियल, और यहां पे क्या लिखा हुआ है मनी। मनी, मनी का मतलब क्या हो गया, पैसे। रियल का मतलब हुआ, देखो ध्यान सुनो, पहले एक सिंपल बात करता हूं आपसे, देखो जल्दी अच्छे बच्चों की तरह हम आते हैं इस वाले डायग्राम पे, कलर चेंज करता हूं छोटा सा मैं। अब बताओ, देखो ध्यान सुनो, जो देख रहे हो वो सुनना आराम से, पहला चार्ट मैं लेके चलता हूं, ध्यान सुनो, फर्स्ट चार्ट ध्यान से देखना, मैंने हाउस होल्ड को फैक्टर या हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर दिए, और फर्म ने क्या करा, भाई साहब मैं आपको पैसा नहीं दे रहा, मैं आपको उठा के, ये देखो दिख रहा है पॉइंट, ये आपको उठा के दे देता हूं गुड्स एंड सर्विसेज। आपने पढ़ा था बार्टर सिस्टम, क्या होता था भाई, यहां पे सर्विसेज गए, यहां पे फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन गए और गुड्स और सर्विसेज आ गए, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। दिस इज द रियल फ्लो। क्या कहीं भी पैसे का आदान प्रदान हुआ? आंसर इज नो, पैसे का आदान प्रदान आपका नहीं हुआ। अब सेकेंड केस, पेन चेंज करता हूं बेटा, देखते हैं आपके समझ आएगा नहीं आएगा, लो पीला पेन देखो, ध्यान सुनो, सबसे पहले इसने यहां पे क्या करा बच्चों, फैक्टर्स दिए और यहां पे क्या आ गया बच्चों, पैसा। अब यहां पे इसने पैसे दिए और यहां पे क्या आ गया बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज। पहले वाले केस में पैसे का आदान प्रदान हुआ और सेकेंड वाले केस में भी पैसे का आदान प्रदान हुआ, इसका मतलब जहां पे भी आपको दिखाई दे पैसा आता जाता उसे बोलते हैं मनी फ्लो, और जहां पे सर्विसेज के बदले सर्विसेज हो, गुड्स के बदले सर, कुछ भी ऐसा दिखाई दे जहां मनी का फ्लो ना हो, उसे बोलते हैं बच्चों रियल फ्लो। देखेंगे फटाफट, फटाफट खत्म करते हैं इसको। हाँ जी, रियल फ्लो, रियल फ्लो ध्यान से देखना, जो बोला मैंने, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, भाई साहब फैक्टर सर्विसेज दे दी, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, यही बताया था मैंने। इसका मीडियम क्या होगा देखते हैं बच्चों, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड गुड्स एंड सर्विसेज, बड़ा आसान सा तरीका था, यानी फर्स्ट क्या हो गया आपके फैक्टर्स और सेकंड हो गए आपके गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आपने क्या करा, अगर सिंपल देख के चलूं, यहां पे अगर हाउस होल्ड है और यहां पे बिजनेस है, इसने इसको क्या दिया बेटा, इसने इसको दिए फैक्टर्स, ये दिए बच्चों फैक्टर्स,
और इसने इसको क्या दिए बेटे, इसने उसको दिए गुड्स या सर्विसेज। क्लियर है? अब यहां पे पढ़िए फिर, अब देखो ध्यान से सुनना, फैक्टर पेमेंट एंड द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले फैक्टर पेमेंट किसने करी, फर्म टू हाउस होल्ड, पैसा आ गया हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए पैसे की पेमेंट कर दी। भैया यहां पे मीडियम क्या दिखाई देगा, यहां पे मीडियम है पैसा। अगला, इसे बोलते हैं फिजिकल फ्लो। क्यों बोलते हैं फिजिकल फ्लो, क्योंकि यहां मनी फ्लो नहीं हो रहा। और इसे बोलते हैं बच्चों मनी फ्लो को, कई बार क्वेश्चन आता है नॉमिनल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो, एंड फिजिकल फ्लो इज माय रियल फ्लो। ओके, और इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम भी। आई होप ये डायग्राम, ये चार्ट आपका क्लियर होगा डिफरेंस। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक। एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। देखो फ्लो बहुत ध्यान से करना बेटा, यहां लिखा फ्लो और यहां लिखा आपने स्टॉक। तो जिन बच्चों के पास अकाउंट्स है उनको स्टॉक का मतलब पता होगा। स्टॉक क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे क्लोजिंग स्टॉक, अगर मैं बात करूं आपसे कोई भी स्टॉक की, लेट्स से बैंक का बैलेंस, तो ये आप निकालते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर मैं पूछूं आपसे आपको निकालना है आपका क्लोजिंग स्टॉक, कब निकालते हो आप, 31st मार्च में निकालते हो। जिनके पास अकाउंट नहीं है, अब वो समझो, फ्लो का मतलब हुआ जो भी फ्लो वेरिएबल हम मेजर कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, देखो वर्ड देखना, पीरियड ऑफ टाइम वेरिएबल दैट इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपसे पूछा आपकी इनकम अर्न, तो क्या मैं आपसे एक दिन की इनकम पूछता हूं? आप किसी से पूछते हैं भैया आपकी सैलरी क्या है, क्या वो दिन की सैलरी बताता है, पूरे महीने की सैलरी बताता है, पूरे साल की सैलरी बताता है? इनकम अर्न। सेकंड, आपको किसी का पूछना है प्रॉफिट लॉस, क्या एक दिन का प्रॉफिट लॉस पूछते हो? बैलेंस शीट जब बनाते हो, प्रॉफिट लॉस बनाते हो, पूरे साल का प्रॉफिट निकलता है, पूरे साल का लॉस निकलता है, पूरे साल का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो पीरियड होगा वो एक महीना भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। जब आप बात करेंगे स्टॉक की, स्टॉक होगा बच्चों पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मेजर करना पड़ेगा। डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, भाई साहब इसमें टाइम की, देखो यहां क्या लिखा था, हैज अ टाइम डिफरेंस बता रहा हूं आपको मैं। तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि पूरे हफ्ते की बात कर रहा है, एक महीने की बात कर रहा है, एक साल की बात कर रहा है बच्चों। और यहां पे डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, जैसे मुझे पूछना है अभी आपका बैंक का बैलेंस क्या है, क्या पूरे साल का बताओगे? सर 1 जनवरी को 5,000, 2 जनवरी को, ऐसे बताते हो? आप क्या कहोगे? सर इस समय मेरे बैंक का बैलेंस है 1 करोड़, या मेरा बैलेंस है 17 करोड़। देख लो बेटे, सेकंड बैंक बैलेंस, अगला बैंक डिपॉजिट, भाई इस समय आपके बैंक डिपॉजिट क्या है, आपकी कैपिटल क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो आया हुआ है कई बार, दैट इज द पॉपुलेशन। भाई साहब आप पूछते हो आपके देश की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? सर 1 जनवरी को थी 5, ऐसे बोलते हो आप, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलते हो। वहीं जब आप फ्लो की बात करते हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। चलो बच्चों, इससे पहले भी था बेटा कुछ, ये हमारा ये था। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखता है आपको, MCQs भी दिखते हैं, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो पढ़ेंगे आप, ध्यान से देखो। फर्स्ट इज द प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, फैक्टर गिवन बाय द हाउस होल्ड टू बिजनेस। अगर मैं सिंपल आपसे बात करूं बच्चों, इस फ्लो पे आ जाते हैं यहां पे। देखो फर्स्ट फेज में क्या हुआ, फर्स्ट फेज ने हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर दे दिया, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, है ना। फर्स्ट फेज यहां पे क्या लिखा हुआ था बच्चों, हाँ जी प्रोडक्शन फेज, इसे बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। यहां पे फैक्टर्स हाउस होल्ड से पहुंच गए किसके पास बच्चों, बिजनेस के पास। सेकंड इज द इनकम फेज। अब क्या हुआ भाई साहब,
अब हुआ इनकम जनरेट हुआ फैक्टर पेमेंट बाय बिजनेस टू हाउसहोल्ड, यानी अगर मैं सिंपल देखो यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, यहां पे हाउसहोल्ड है यहां पे बिजनेस है, तो पहले वाले केस में क्या हुआ, हाउसहोल्ड ने बिजनेस को क्या दे दिया बच्चों, फैक्टर्स, और फैक्टर्स कौन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज द फर्स्ट केस, डायग्राम यहां पे ऐसे बना के आ सकते हो बेटे एग्जाम में आप, सिंपल तरीका। सेकेंड कैलकुलेशन को क्या क्या बोलते हैं, देखो यहां क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ और इनकम जनरेट होने की कोशिश, जनरेशन ऑफ इनकम। सेकेंड केस क्या था, यहां पे हाउसहोल्ड यहां पे बिजनेस, अब बिजनेस ने हाउसहोल्ड को कर दी बच्चों फैक्टर पेमेंट, तो कौन सी फेज बन गई बच्चों, इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहां जनरेट हुई यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फैक्टर पेमेंट बाय बिजनेस टू हाउसहोल्ड। अगला एक्सपेंडिचर फेज, एक्सपेंडिचर फेज में क्या हुआ, हाउसहोल्ड बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पे बिजनेस ने क्या दिया बच्चों उसको, गुड्स एंड सर्विसेज, और इसने इसको क्या कर दी बच्चों, पेमेंट। क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर फेज, कई बार ये बिल्कुल देखो ये वाला ना डिस्पोजिशन फेज कई बार आ गया, बिल्कुल समझ नहीं, डिस्पोजिशन क्या, डिस्पोजिशन का मतलब या सिंपल आप समझो एक्सपेंडिचर, कहां पे होगा एक्सपेंडिचर, जहां पे गुड्स सर्विसेज रिसीव बाय द हाउसहोल्ड फ्रॉम द बिजनेस एंड क्या हुआ बच्चों, पेमेंट मेड बाय द एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको। अगर आपको डायग्राम याद हो बच्चों सेकंड वाला देखते हैं, यहां पे सेकंड डायग्राम में मैंने आपको बताया था जब बिजनेस से यहां पैसे आते हैं उसे बोलते हैं इनकम, और जब यहां से पैसे जाते हैं इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो आप यहां पे देखते हैं बच्चों थ्री फेजेस, फर्स्ट प्रोडक्शन फेज, सेकेंड इनकम फेज, थर्ड एक्सपेंडिचर फेज। चलिए जी अब एक देखते हैं यहां पे बच्चों कैसे कैसे क्या क्या रोल प्ले हो, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पे है बच्चों हाउसहोल्ड, यहां पे है बच्चों कौन आपका बिजनेस, यानी अगर सिंपल देखूं यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों देखो मैंने बनवा रखा है फिर भी ये एच है और ये है आपका डन हाउसहोल्ड। देखो बहुत आसान चैप्टर बेटे, हाउसहोल्ड क्या कर रहा है बेटा, यहां से देखो ध्यान से देखो बेटे हाउसहोल्ड क्या कर रहा है, यहां पे सबसे पहले दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। यहां से क्या हुआ बेटे, सबसे पहले देखो फर्स्ट फेज, इसने हालांकि रिवर्स में आप सिंपल कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, यहां पे देखो यहां दिख रहा है बेटा पीला पीला है, ये देखो बेटे आ गया, क्या करेगा बेटा है? जैसे ही इसके पास आ गई सर्विसेज, इसने अवेल करी, इसने बेटा यहां पे पेमेंट कर दी, दिस इज द सेकंड पॉइंट, यही करते हुए आ रहे थे। अब सेम तरीका बच्चों, सेम तरीका, अब देखो ध्यान सुनो, सेम तरीका क्या हुआ, इसने यहां पे पेमेंट कर दी बेटा गुड्स और सर्विसेज के लिए, थर्ड पेमेंट, और इसको क्या मिल गया बेटा, इसको मिल गया गुड्स। तो उसका मतलब अगर पूछे आपसे कि इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे, पहला हाउसहोल्ड, दिस इज फर्स्ट, और सेकंड कौन सा हो गया बिजनेस, अब कौन सा रह गया बच्चों, देखो बीच में कौन बैठा है, अंकल बैठे बेटे, इन अंकल को बोलते हैं बेटे यहां पे गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में, सर इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं बेटा, जब यहां से आप इनको गुड्स दे रहे थे ये यहां पेमेंट ले रहे थे, तो उसके बीच में क्या आ गए बच्चों, टैक्सेस, टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगी, चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो, कौन कलेक्ट करेगी बच्चों, गवर्नमेंट। पेमेंट कौन, सिंपल समझिएगा, इसका मतलब कि जब भी हाउसहोल्ड बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है कि इनको अच्छी सर्विसेज मिल सके, क्वालिटी कंट्रोल, अगर बिजनेस पे कोई क्वालिटी चेक नहीं होंगे तो बिजनेस तो कैसा भी माल दे देगा बेटा। मैगी पे रेड हुई थी देखो ध्यान होगा, मैगी कुछ टाइम के लिए बैन हो गई थी, क्यों, क्यों, उसमें कुछ ऐसे चीजें थी जो आपकी हेल्थ के लिए रिस्की थी। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है कि इस बिजनेस पे एक क्वालिटी चेक रख सके और जो बीच में ट्रांजेक्शन हुई है आपसे टैक्स कलेक्ट कर सके, जिससे वो यहां पे क्या कर सके, विकास कर सके, है ना। चलिए तो यहां पे गवर्नमेंट का रोल आ गया। फोर्थ एंड लास्ट इज पॉइंट दैट इज, ये देखो बेटा कौन है बच्चों, फॉरेन टैक्सेशन। भाई जब आप यहां पे जो फॉर्म देखा बेटा, फर्स्ट इज हाउसहोल्ड यहां पे ऐसे बोला, सेकंड इज फर्म, थर्ड इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज फॉरेन। फॉरेन में क्या आ गया बच्चों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जब आप यहां से अपने माल को बाहर भेजते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जब आप बाहर से माल अपने पास मंगाते हैं उसे बोलते हैं इंपोर्ट,
और ये किससे पॉसिबल है बच्चों, ये केवल और केवल पॉसिबल है बच्चों फॉरेन सेटलमेंट से, ठीक है जी। तो फोर इकोनॉमी में कौन कौन आ गया बेटा, फोर सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन। अगर मैं बोलूं थ्री सेक्टर इकोनॉमी तो आप यहां से फॉरेन हटा दीजिए, इन तीनों का रोल आ जाएगा, सिंपल तरीका बेटे, ठीक है जी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। लास्ट इज जो इसको आप कंक्लूड करेंगे, इसके क्वेश्चंस सेकंड में इसमें कराऊंगा बच्चों में भी, टोटल प्रोडक्शन। भाई साहब जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कंजम्पशन होगा, तो यहां पे आप एज्यूम करेंगे टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। सेकंड, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। जितनी आप फैक्टर पेमेंट करेंगे उतनी ही फैक्टर इनकम होगी। कई बार फ्लैट क्वेश्चन आते हैं तो ढूंढने में लग जाना कि सर ने तो प्रोडक्शन, सिंपल। थर्ड वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। क्यों? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होता है आपका फैक्टर पेमेंट। लास्ट इज रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये था आपका चैप्टर नंबर वन। तो आज हमने अच्छे से रिविजन करा, कल हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर टू और देखेंगे क्या क्या इसके क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए फेवरेबल हो।